हेलो गाइस, सभी लोग का फिर से स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। तो गाइस कैसे हो आप लोग? होपफुली आप लोग अच्छे हो गए एंड आगे भी अच्छे रहो। तो गाइस आज के इस वीडियो में तुम्हारा भाई बताने वाला है कि तुम लोग को ब्लू स्टैक्स के अंदर क्या क्या सेटिंग्स करनी चाहिए जिससे तुम्हारा गेम प्ले और गेम दोनों ही एकदम लैग फ्री चले, मतलब कोई भी लैग वगैरह आप लोग को देखने ना मिले ब्लू स्टैक्स 5 के अंदर। तो गाइस यार ब्लू स्टैक्स मतलब कि बहुत सारे बंदे क्या करते हैं कि पीसी जैसे ही खरीदते हैं, ऑन करते हैं, उसमें विंडोज़ वगैरह सेटअप करके सीधा गेम इंस्टॉल करके चलाने लगते हैं ब्लू स्टैक्स पे। तो यार ऐसा नहीं है यार, मतलब उसमें कुछ सेटिंग्स भी आप लोग को करनी पड़ती हैं जिससे कि आपका गेम प्ले मतलब लैग नहीं करे एंड आपको हाई FPS मिले। अगर आप लोग बिना सेटिंग्स के गेम को सीधा रन कर दोगे तो आप लोग को बहुत ही कम FPS देखने मिलेगा एंड आप लोग अच्छे से अच्छा PC बना लो फिर भी आप लोग का लैग करेगा ही गाइस। तो यार कुछ सेटिंग्स करनी होती है हर गेम के ऊपर ताकि वो एकदम लैग फ्री चले। तो यार इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप लोग क्या ब्लू स्टैक्स का सेटिंग रख सकते हो जिससे कि आप लोग का ब्लू स्टैक्स एकदम अच्छा चले। अगर आप लोग का हाई एंड PC है, मतलब अगर आपका मीडियम PC है, बजट PC है, तो गाइस अच्छा खासा चल जाएगा। जैसे कि मेरा PC एकदम बजट PC है, मतलब हाई एंड भी नहीं है एंड लो एंड भी नहीं है, मतलब मीडियम है। तो मेरा गेम प्ले और मेरा गेम प्ले नहीं, मेरा जो PC में गेम है वो एकदम लैग फ्री चलता है। 90 FPS इजीली मेरे को मिल जाती है क्योंकि करीना 90 FPS ही सपोर्ट करता है, इससे ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता है। अगर उससे ज़्यादा करता तो वो भी मिल जाती है, बट ये 90 FPS तक ही सपोर्ट करता है, तो इसलिए 90 FPS ही मेरे को यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। तो गाइस मैं आप लोग को कुछ सेटिंग्स बताने वाला हूँ, तो आप लोग करने के बाद आप लोग का गेम एकदम 90 FPS तक पहुँच सकता है। अगर आपका अच्छा खासा PC है तो, अगर थोड़ा सा लो एंड PC है तो 60 तक या फिर आप लोग का चलेगा सेटिंग्स करने के बाद। अगर बहुत ही ज़्यादा लो है 2 GB रैम है तो 30 FPS तक चल सकता है गाइस। तो यार ये सेटिंग्स आप लोग कर लेना एंड इसके बाद आप लोग का ब्लू स्टैक्स एकदम सही चलेगा। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ आप लोग को क्या ब्लू स्टैक्स की सेटिंग करनी चाहिए। एंड अगर आप लोग को नहीं पता है ब्लू स्टैक्स डाउनलोड कैसे करना है, तो यार मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पर आप लोग क्लिक करना है एंड डायरेक्टली आप लोग ब्लू स्टैक्स की वेबसाइट चले जाओगे एंड वहाँ पे आप लोग को ब्लू स्टैक्स 5 इंस्टॉल कर लेना अपने विंडो के हिसाब से कि आपका 32 बिट है या फिर 64 बिट है, जिस बिट का भी आपका लैपटॉप या फिर PC है उस बिट के मतलब विंडो है, तो उस हिसाब से आप लोग अपना डाउनलोड कर लेना एंड देख लेना कि इसमें परफॉर्मेंस अच्छा मिल रहा है। तो चलो गाइस वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। वह सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, ब्लू स्टैक्स को इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आप लोग को एक सेटिंग्स का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा छोटा सा, आप लोग देख सकते हो। इस पर आप लोग को क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप लोग परफॉर्मेंस वाला ऑप्शन आप लोग को ऑटोमेटिकली खुल के मिल जाएगा एंड यहाँ पे आप लोग को CPU एलोकेशन का ऑप्शन दिखेगा। तो इसको आप लोग को अपना जो भी सबसे हाईएस्ट ऑप्शन दे रखा हो, मेरा 4 कोर्स यहाँ पे दे रखा है, मैंने 4 कोर्स चूज़ कर लिया है, जो भी आप लोग का हाईएस्ट दे रखा हो वो आप लोग यहाँ पे चूज़ कर लेना। एंड इसके बाद आप लोग को यहाँ पे मेमोरी एलोकेशन का ऑप्शन मिलेगा, इसको भी आप लोग अपने हाईएस्ट पे सेट करना, जो भी आप लोग का PC में हाईएस्ट दे रखा हो। मैंने यहाँ पे 4 ले लिया है, आप लोग के में भी अगर है तो आप लोग इसे चूज़ कर लेना। एंड इसके बाद आप लोग को यहाँ पे जाना है, इसको हाई परफॉर्मेंस पे सेट कर देना है। एंड इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फ्रेम रेट यहाँ पे अभी 60 ही आपको देखने के लिए मिलेंगे, बट अगर आपको यहाँ पे हाई FPS चाहिए तो आप लोग को ये वाला सेटिंग्स को ऑन करना पड़ेगा, इनेबल हाई फ्रेम रेट। तो इसको आप लोग ऑन कर देना गाइस, इसके बाद इसको यहाँ पे ड्रैग करके 240 कर देना एंड यहाँ पे नीचे आप लोग को ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले FPS ड्यूरिंग गेम। तो इससे क्या होगा, अगर आप लोग अपना गेम का जो FPS है वो लाइव देख पाओगे, नीचे छोटा सा FPS बार लिखा जाएगा, वहाँ से आप लोग अपना गेम का FPS देख पाओगे कि आप लोग का किस टाइम कितना FPS जो है गेम में चलता है। तो इससे आप लोग को फ़ायदा होगा, तो आप लोग इसे ऑन कर देना, मैं इसे ऑन ही रखता हूँ। एंड यहाँ पे फिर से आप लोग को सेटिंग्स पे जाना है एंड इस बार जाना है डिस्प्ले के अंदर। डिस्प्ले के अंदर जो भी आपका मॉनिटर का बेस्ट रिजोल्यूशन है उसको आप लोग को चूज़ कर लेना है। अगर आपका 1080p है तो इसको आप लोग चूज़ कर लेना, मेरा रिकमेंडेड में यही दिखा रखा है तो मैंने भी यही लिखा है, और मेरा मॉनिटर का यही है बेस्ट तो मैं यही चूज़ कर ले रहा हूँ, इस पर जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है जब मेरा बेस्ट यही है। तो आप लोग अपने मॉनिटर के हिसाब से जो भी बेस्ट रेजोल्यूशन आप लोग को लगे वो आप लोग को कर लेना है, नहीं तो आप रिकमेंडेड वाला भी रख सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद आप लोग को पिक्सल डेंसिटी पे यहाँ पे ये DPI है गाइस, जो भी आप लोग को DPI रखनी है वो आप लोग यहाँ पे रख सकते हो। ब्लू स्टैक्स 5 के अंदर यहाँ पे कस्टम DPI का भी है, अगर आपको कोई कस्टम DPI रखनी है तो वो भी आप लोग रख सकते हो, लेकिन अभी मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट आपको 240 ही देखने मिलेगी, तो मैंने भी यहाँ पे ये 240 ही है अभी मेरा, मैं अभी सेट नहीं किया हूँ। तो यहाँ पे आप लोग को उसके बाद यहाँ पे कर देना है ब्लू स्टैक्स का कर्सर, जो कि आप लोग को गेम के अंदर अलग ही कर्सर देखने के लिए मिलेगा, ये ऐसा अभी वाइट वाइट कर्सर आ रहा था जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, लेकिन इस बार जब ब्लू स्टैक्स ऑन होगा तो उसके अंदर अलग कर्सर आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, अभी नहीं जब गेम ओपन होगा तब देखने मिलेगा। तो यहाँ पे इस बार आप लोग को आना है ग्राफिक्स के अंदर एंड ग्राफिक्स इंजन मोड को परफॉर्मेंस पे सेट करना है अगर कंपैटिबिलिटी पे सेट है तो, एंड इसको ग्राफिक रेंडरर को यहाँ पे OpenGL सेट करना है, डायरेक्ट टेक्स मत करना परफॉर्मेंस थोड़ा बेकार मिलेगा, तो OpenGL पे अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है। एंड इंटरफेस रेंडरर में आपको डायरेक्ट टेक्स चूज़ करना है, ठीक है।
डायरेक्ट एक्स रखना है एंड यहाँ पे आप लोग को ASTC टेक्सचर में आपको हार्डवेयर डिकोडिंग एंड सॉफ्टवेयर डिकोडिंग का ऑप्शन देखने मिलेगा। तो आप लोग को इसको अपने PC के हिसाब से रखना है। अगर आपका सॉफ्टवेयर अच्छा है तो आप लोग इसको सॉफ्टवेयर डिकोडिंग पर रखना, अगर आपका ग्राफिक्स कार्ड अच्छा है तो इसे आप लोग हार्डवेयर डिकोडिंग पर भी रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे हार्डवेयर पे रख देता हूँ एंड यहाँ पे आप लोग को अगर हार्डवेयर रखोगे तो इसको ऑन कर देना गाइस, नहीं तो सही नहीं होगा भाई, यूज़ ही नहीं करेगा आपका मतलब जो आपका ब्लूस्टैक्स है वो GPU आपका यूज़ नहीं करेगा। तो गाइस यहाँ पे अभी रीस्टार्ट होगा एंड उसके बाद आप लोग को फिर से सेटिंग्स के अंदर जाना है एंड इस बार आप लोग को कुछ सेट नहीं करना है, या ऑडियो को भी डिफ़ॉल्ट रहने देना है, गेम पैड को भी, प्रेफरेंस को भी एंड सीधा डिवाइस के अंदर आ जाना है एंड इसमें आप लोग को चूज़ कर लेना है ROG 2, ASUS ROG 2 को चूज़ कर लेना है एंड यहाँ पे आप लोग को नेटवर्क को जियो कर देना है ताकि आपको और भी बेटर परफॉर्मेंस एंड पिंग यहाँ पे जो गेम की होती है वो अच्छी से अच्छी मिले। बाकी आप लोग को यहाँ पे कोई भी छेड़छाड़ी नहीं करनी है, बाकी सब कुछ एकदम रहने देना है और यहाँ पे अगर कोई अपडेट आता है तो आप लोग यहाँ से भी देख सकते हो, बट मेरा एकदम अपडेटेड है तो आप लोग भी डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से डाउनलोड करोगे तो अपडेटेड ही डाउनलोड होगा, तो आप लोग को कोई इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सीधे ही लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। तो चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ, चलो गाइस यहाँ पे मैं गेम ओपन करके आप लोग को दिखा देता हूँ अभी कितना मेरा सेटिंग वगैरह करने के बाद कैसा FPS यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। जब गेम ओपन होता है या फिर गेम जब स्क्रीन लोडिंग पे चलती है ना, जब गेम हम स्टार्ट करते हैं तो जब लोड होता है तो लो FPS चलता है गाइस, लेकिन जब गेम में हम लोग जाते हैं तो हाई FPS चलता है। मैक्सिमम ये 90 FPS सपोर्ट करता है फ्री फायर, इसलिए 90 से ऊपर FPS यहाँ पे नहीं जाता है, 80 से 90 के बीच ही में रहता है। तो यहाँ पे मैं लॉग इन कर देता हूँ यहाँ पे एंड जैसे ही मैं ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर यहाँ पे घुसता हूँ तो भाई साहब पिंग देख आप लोग FPS देखना, ठीक है, आप लोग भी अपना PC के हिसाब से देख सकते हो। अगर आपका मेरे जैसा ही PC हुआ अच्छा खासा तो आप लोग का सही चलेगा गाइस एंड मेरा जो वो है स्पेक्स वगैरह PC का मैं डिस्क्रिप्शन में वो प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से मेरा स्पेक्स देख सकते हो एंड अपना भी देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे फुल स्क्रीन कर देते हैं एंड आप लोग देख लो मेरा FPS एकदम मस्त चल रहा है, मतलब यार लैग नहीं कर रहा है गेम, और 85 तक का FPS, 89 हो गया 90, भाई इतना ही चलेगा, 85 80 90 90 रहेगा भाई, इजीली रहेगा अगर आपका अच्छा PC है तो। एंड अगर आपका लो एंड PC है मतलब 2 GB रैम वाला तो 30 तक का FPS आपको मिल जाएगा एंड अगर उससे भी नीचे है तो यार फिर तो आपको बहुत कम FPS देखने मिलेगा एंड उसी में आपको काम चलाना पड़ेगा, उसके लिए आपको रैम वगैरह अपग्रेड करनी पड़ेगी। अगर आप लोग पे पैसा नहीं है यार तो क्या ही बोल रहे हैं यार, उसके लिए कुछ यार अभी तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो अगर जिनका भी अच्छा PC है वो लोग एक सेटिंग्स कर सकते हैं, जिनका लो एंड है वो भी कर सकते हैं, बट उनका मैं FPS 90 नहीं चलेगा एंड थोड़ा कम चलेगा बट अच्छा चलेगा पहले से। अगर आप विदाउट सेटिंग करके चलाओगे उससे ये अच्छा चलेगा, आप लोग सेटिंग करके चलाओ ज़्यादा अच्छा रहता है। और आप बहुत सारे बंदे बोलते हैं भाई कि यार ब्लूस्टैक्स का सेटिंग कर लूँगा तो मेरा PC जो है स्लो हो जाएगा या फिर आप लोग का PC वर्क जो है कम करेगा, मतलब यार ऐसा कुछ नहीं होगा, ये ब्लूस्टैक्स का सेटिंग है, इससे आपका PC का सेटिंग से कोई इफेक्ट नहीं है एंड कोई लेना देना नहीं है, आपके PC को कुछ भी नहीं करेगा, ये खाली ब्लूस्टैक्स की सेटिंग्स चेंज हुई है। तो यार ऐसा कुछ भी नहीं होता कि यार आप लोग ब्लूस्टैक्स का सेटिंग चेंज करोगे तो आप लोग का PC वगैरह जो है कुछ मतलब वायरस वगैरह या फिर हैंग वगैरह होना शुरू हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, नहीं होगा गाइस, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप लोग बेझिझक यहाँ पे कर सकते हो सेटिंग्स जो भी आप लोग को रखनी है, इससे आप लोग को गेम की हाई FPS देखने मिलेगी यार, मतलब इस अगर आप लोग विदाउट सेटिंग चलाओगे। अगर आप लोग मान लो कि मैंने अभी अल्ट्रा ग्राफिक और हाई FPS वगैरह सब ऑन ही रखा है गेम में, ठीक है, अगर आप लोग चलाओगे हाई FPS ऑफ करके तो आप लोग को गेम कैसा चलेगा आप लोग को भी खुद ट्राई कर लेना, मतलब इतना लैग होकर चलेगा कि भाई क्या ही बोलूँ, किसी ने सोची नहीं होगी यार। इसलिए बोलता हूँ गेम्स की सेटिंग करना इंपॉर्टेंट है, उसी के बाद आप लोग का गेम प्ले एकदम लैग फ्री चलेगा। जब गेम लैग फ्री होगा ना, मतलब जब गेम लैग नहीं होगा तो आप लोग का गेम प्ले भी अच्छा आएगा, और अगर आप लोग मॉन्टेज वगैरह बनाते हो तो उसमें और भी हेल्प करेगा, और भी बेटर परफॉर्मेंस आएगी, जितना हाई FPS उतना बेटर गेम प्ले। तो यार यही था आज के वीडियो में, और कुछ भी नहीं था गाइस। तो जिसको भी वीडियो ये हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, या फिर जो भी बंदा PC पे न्यू है एंड उसको सेटिंग्स नहीं पता तो उसको शेयर कर देना गाइस एंड जितने बंदे अभी तक लाइक नहीं करे वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। इस वीडियो का लाइक हम लोग रखते हैं 100 लाइक्स का, तो होपफुली आप लोग कंप्लीट कर दोगे। अगर इस वीडियो में 100 लाइक कंप्लीट हो जाए तो हमारा भाई अगली बार बनाने वाला है DPI के ऊपर वीडियो, कि आप लोग को क्या DPI रखनी चाहिए ब्लूस्टैक्स के अंदर। तो जितने बंदे लाइक नहीं करे जल्दी से लाइक कर देना एंड चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना गाइस। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोग को बाय बाय।